आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में। तो आज हम बात करेंगे वीर पुत्र महाराजा सूरजमल की। महाराजा सूरजमल जिन्होंने जाटों का नाम पूरी दुनिया में फैला दिया, ये जाट राजा थे। और आज हम जाटों का इतिहास जानेंगे, बहुत ही वीर इतिहास है। समझिए कि वीरता की पराकाष्ठा महाराजा सूरजमल ने पेश की। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स इन इंडिया, बॉर्न इन इंडिया। तो हम महाराजा सूरजमल की बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी न्यूज थी कि जब जाट्स ने बोला था कि आगरा म्यूजियम को महाराजा सूरजमल के नाम करिए। फिलहाल अभी हम इसमें बात करेंगे। देखिए, अगर महाराजा सूरजमल की बात करें तो इन पे किताब लिखी गई है, ज्ञात वंश भरतपुर का इतिहास। तो वहां पे महाराजा सूरजमल के बारे में काफी कुछ लिखा है। और इनकी अगर बात करें तो महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 में हुआ था। जिस दिन औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसी दिन इनका जन्म हुआ। अब तब तक भरतपुर में जाटों का अच्छा खासा नाम हो गया था। औरंगजेब ने कई बार चढ़ाई करनी चाहिए भरतपुर पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जाटों ने हर बार उसको खदेड़ दिया। और इस समय 1707 में जब औरंगजेब का देहांत होता है, इसी साल महाराजा सूरजमल का जन्म होता है। सूरजमल एक बचपन से ही बहुत ही इन्होंने बचपन से ही वीरता दिखानी शुरू कर दी थी। बहुत ही पावरफुल राजा थे, वाज अ वेरी वेरी स्ट्रांग किंग। लेकिन उसके बावजूद काफी सिंपल थे, योग्यता को सबसे ऊपर रखते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि इन्होंने अपना जो किंगडम है वो बहुत, मतलब समझिए नॉर्थ इंडिया में इनका काफी दबदबा हो गया था। दिल्ली पे भी इन्होंने कुछ समय तक रूल किया था, लेकिन वो बहुत समय तक चल नहीं पाया। मुगलों की ईंट से ईंट बजाती, इधर मराठा थे और इधर महाराजा सूरजमल थे, हालत खराब कर दी थी। काफी कहानियां हैं दोस्तों सूरजमल की, इनके बारे में ये फोक सॉन्ग बहुत पॉपुलर है कि आखा गढ़ गो मुखी बाजी, माँ भई दुख माँ भई देख मुख राजी, धन धन गंगिया माजी, जिन जायो सूरजमल गाजी, भैयन को राखियो राजी, चाकी चहू दिस नौबत बाजी। तो ये फोक सॉन्ग है, बहुत ही फेमस है। अब हम सूरजमल के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हमने एक मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, UPSC। अगर आपको IAS निकालना है तो ये क्रैश कोर्स की तरह है। ये 5 अक्टूबर तक चलेगा, कल से क्लासेस शुरू होंगी। पिछले 7 साल के पेपर्स को डिस्कस करूंगा कि IAS के एग्जाम्स को कैसे अप्रोच करते हैं, पेपर्स को कैसे लगाते हैं और टेक्निक्स क्या क्या हैं। ज़रूर आप अवेल करें। और अभी हमारा ऐप भी iOS पे लॉन्च हुआ है, तो एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। तो टोटल 14 लेक्चर्स आएंगे। एक सेशन में मैं 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। राजा बदन सिंह के बेटे थे ये, एंड ही वॉज अ वेरी स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, विजनरी और वेल्दी एम्परर थे ये। इन्होंने डिप्लोमेसी भी की और जहां पे युद्ध करना है वहां पे युद्ध भी किया। सूरजमल को जनता इतना ज्यादा प्यार करती थी कि सूरजमल बस आदेश दे दे, यही एक राजा की, एक बढ़िया राजा की निशानी होती है कि वो जो बोल दे जनता करने को राजी हो जाए। इसलिए डर से नहीं, सूरजमल राजा सूरजमल के डर से नहीं, राजा सूरजमल के प्रताप से। वो लोगों के इतने फेवरेट थे। जो शहरीकरण था इन्होंने अपने प्रांतों का किया था, कमाल का। और 1733 में इन्होंने प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर की स्थापना की। यस, मुश्किल था, मराठाओं से भी इन्होंने युद्ध लड़ा, राजपूतों से भी प्रॉब्लम हुई, बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उसके बावजूद सबके साथ रिलेशन बहुत बढ़िया रहे। अल्टीमेटली सूरजमल, महाराजा सूरजमल के प्रताप को सबने माना कि हाँ भाई कमाल की बात है। तो ये चीज है, जो भी सूरज राजा सूरजमल से मिलता इनका मुरीद हो जाता। ये ऐसे थे, इतने सिंपल येट वेरी स्किल्ड, और क्या परसोना, इनकी पर्सनालिटी से ही सब चकाचौंध हो जाता कि बाप रे बाप। तो जब राजा जयसिंह की डेथ हुई तो स्ट्रगल ऑफ सक्सेशन हुआ, ये सबसे पहली स्टोरी है जो हम बात करेंगे। जब राजा जयसिंह की डेथ हुई, राजा जयसिंह
जयपुर के राजा थे, तो एक एसेशन होने लगा, स्ट्रगल ऑफ एसेशन, कि जयपुर की गद्दी पे कौन बैठेगा। तो राजा जयसिंह के दो बेटे थे। अब राजा जयसिंह के दो बेटे थे, एक थे ईश्वरी सिंह और एक थे माधो सिंह। अब दोनों ही गद्दी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। अब सूरजमल चाहते थे कि ईश्वरी सिंह जो हैं वो बड़े थे, तो भाई लीगली तो वो गद्दी पे बैठेंगे, है कि नहीं। लेकिन जो उदयपुर के राजा थे महाराणा जगत सिंह, वो चाहते थे कि छोटा बेटा माधो सिंह। अब देखिए ये सब पॉलिटिक्स है। महाराजा जगत सिंह इसलिए चाहते थे कि अगर छोटा बेटा बैठता है तो फिर हम जयपुर पे ज्यादा कंट्रोल रख पाएंगे, क्योंकि कांवर ईश्वरी सिंह जो थे उनके रिलेशंस राजा सूरजमल से बहुत अच्छे थे, ऐसा था। तो ये चीज है। और जो माधी सिंह था वो अपनी स्ट्रेंथ पे बड़ा घमंड करता था, क्या है, मैं तो जो भी मेरे सामने आएगा खत्म कर दूंगा, तो अगर मुझे गद्दी मिले चाहे ना मिले मैं जबरदस्ती हथिया लूंगा। तो माधवराव होलकर, गंगाधर तात्या, राणा ऑफ मेवाड़, जोधपुर के राठौर, इन सब सब सबको मिला के इसने बहुत बड़ी फौज इकट्ठा कर ली। अब ईश्वरी सिंह अकेले पड़ गए, माधव सिंह के पास पूरी सेना, ईश्वरी सिंह के पास सिर्फ और सिर्फ राजा सूरजमल। 20 अगस्त 1749 को क्लैशेस होती है, बागरू में युद्ध होता है, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब आप समझिए कि पहले दिन की बात करें तो काफी दिक्कतें हुई, आर्टिलरी बैटल थी। दूसरे दिन शिव सिंह बहादुर, जो कि ईश्वरी सिंह की फोर्स का बहुत मतलब एक काफी बड़ा जनरल था, उसकी मौत हुई। ईश्वरी सिंह की फोर्सेस बुरी तरीके से हार रही थी। और तीसरे दिन आते आते ईश्वरी सिंह ने बोला कि भाई नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो सकता। माधो सिंह के साथ सब थे, सिसोदिया, मराठा, एवरी वन वॉज देयर। तो बोला कि नहीं हो सकता। और फिर एंट्री होती है राजा सूरजमल की। और जब राजा सूरजमल आए तो युद्ध का नतीजा ही बदल दिया। राजा सूरजमल ने बहुत ही बहादुरी से अटैक किया, दोनों तलवार पहली बार एक राजा को लड़ते हुए देख रहे थे, और यहां पे उनके दोनों हाथों में तलवार थी। और फिर हम ये देखते हैं कि माधव सिंह ने, जब राजा सूरजमल की एंट्री हुई, माधव सिंह हार गया। तो ये किया था राजा सूरजमल ने, बहुत ही शानदार गजब की बैटल लड़ी, और बैटल फील्ड में क्या शौर्य दिखाया। ये चीज पूछा था, जब सूरजमल को रणभूमि में लड़ते हुए देख रहे थे तो राजपूतों ने, अरे यार ये कौन वीर है भाई, तो जब इनके बारे में पूछा तब कहा जाता है कि ये बोला गया कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। ये भी बड़ा फेमस है। ऐसे मुगलों के साथ भी बड़ी दिक्कत हुई, ईश्वर सिंह जीता, ईश्वर सिंह गद्दी पे बैठा। और ये जो जीत थी महाराजा सूरजमल को पूरे भारत में फेमस कर दिया। भरतपुर को प्रिंसली स्टेट बनाने के बाद महाराजा सूरजमल पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए, और अपना जो एम्पायर है दिल्ली से लेकर फिरोजशाह कोटला हर जगह तक इन्होंने अपना एम्पायर जो है वो बना दिया। अब मुगलों के साथ भी बड़ी दिक्कत हुई, इधर मुगलों का भी तो था ना प्रॉब्लम, तो यहां पे जो मुगल चीफ था सादत खान, वो दिल्ली से यहां पे गया कि भरतपुर को अपने कब्जे में लेना है। और उसने र्यूमर फैला दी कि सूरजमल हार गया है, राजा सूरजमल की हार हुई। तो जब राजा सूरजमल को पता चला कि अच्छा मुगल ट्रूप्स ने हमारी टेरिटरी पे अटैक किया है और ये रूमर फैला दिया, अभी बताते हैं, अगले ही दिन राजा सूरजमल गए, पूरे के पूरे मुगल कैंप को निस्तना नाबूद कर दिया, भागा सादत खान सब कुछ छोड़ छाड़ के। और 1729 की बात है, माफी मांगी, भरतपुर छोड़ दिया, और उसके बाद फिर बोला कि ठीक है अब से नहीं होगा ये। ये चीज है। साथ ही साथ राजा सूरजमल का दिल भी बहुत बड़ा था, बहुत ही दयालु राजा भी थे। उन्होंने चौधरी चरणदास जो कि बल्लभगढ़ के थे उनको शेल्टर दिया। गवर्नर ऑफ फरीदाबाद लगभग मार ही देता इनको, लेकिन बोला कि नहीं जब तक हम हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता, हम तुमको, समझिए मुगल जो है वो डिक्लाइन पे थे, राजपूत, राजा सूरजमल मतलब जाट, और इधर मराठा, इन तीनों ने ऐसी बैंड बजाई। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि जब भी हम आपस में लड़ते रहेंगे प्रॉब्लम होगी। मुगलों से भी दिक्कत हुई, सॉरी मराठाओं से भी दिक्कत हुई, अभी उसकी भी कहानी हम बात करेंगे।
दिक्कत यह थी कि मराठाओं को उकसाया था ये नवाब ऑफ दिल्ली गाजीउद्दीन। कहानी क्या थी कि फरीदाबाद, मैंने बताया ना कि भाई फरीदाबाद की जागीर जो है वो चरणदास को गई। सूरजमल और मुगल्स के बीच में रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हुए और सब कुछ पीसफुली सुलटा लिया गया, अमन चैन आ गया। लेकिन जो वजीर था सफदरजंग और एम्परर, इनके बीच में काफी टसल शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि सफदरजंग और एम्परर के बीच में जब काफी ज्यादा दिक्कतें हुई और सफदरजंग को जान का खतरा लगा, तो उसने अपनी पोस्ट छोड़ के वो सूरजमल के यहाँ चला गया। अब सूरजमल, अब भाई सफदरजंग ने बोला सूरजमल से कि बहुत बढ़िया मौका है, दिल्ली को अटैक कर दो। सूरजमल ने, राजा सूरजमल ने दिल्ली को अटैक किया। और जब दिल्ली को अटैक किया दोस्तों, तो समझ लीजिए कि पूरी रॉयल ट्रेजेडीज को प्लंडर कर दिया। 1753 की बात है, दिल्ली को पूरा सैक। जून तक तो समझिए कि जाटों का रूल था दिल्ली पे ऐसा। और उसके बाद फिर राजा माधो सिंह आए और उन्होंने बोला कि भैया रुक जाओ, ऐसा मत करो। और फिर हम ये देखते हैं कि वापस सफदरजंग को एज ग्रैंड वजीर वहां पे रिस्टोर किया। अब एम्परर था गाजीउद्दीन, उसका दिमाग खराब लगे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो गाजीउद्दीन ऐसे डायरेक्ट तो राजा सूरजमल को अटैक कर नहीं सकता था, तो उसने प्रोपेगेंडा चलाया। गाजीउद्दीन ने मराठाओं को भड़काना शुरू कर दिया राजा सूरजमल के खिलाफ, बोला कि मैं तो बदला लूंगा। तो 1754 में रघुनाथ राव मराठा वो भरतपुर की तरफ चले गए और पूरे किले को किलेबंदी कर ली, मतलब घेराबंदी कर ली पूरे किले की। 3 महीने तक ये सीज चली, 3 महीने तक ये सीज चली। लेकिन उसके बाद जो रानी किशोरी थी, बहुत ही बुद्धिमान, उन्होंने डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाया। उन्होंने जियाजी राव मराठा को 3 पगड़ी भेजी और 3 पत्तियां भेजी, बेल की पत्ती। तो अब मराठाओं ने भी जब ये देखा कि भाई चलो डिप्लोमेसी से पहले तो अटैक हुआ, ठीक है, किले पे कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन मराठाओं के साथ भी फिर सूरज, जब मराठाओं ने समझा कि हाँ यार लड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो बाद में दोनों ने सुलह कर लिया, ट्रीटी कर ली, जाट और मराठाओं ने। जाट की तरफ से सूरजमल और मराठाओं ने, दोनों ने ट्रीटी कर ली। और गाजीउद्दीन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो चुपचाप, उसको वो कुछ नहीं कर पाया, चुपचाप वो भरतपुर से चला गया। तो उसके सारे मंसूबे जो है वो नाकामयाब हो गए। महाराजा राजा सूरजमल को पता चल गया था कि ये जो है ना, ये जो गियासुद्दीन है, इसके गाजीउद्दीन है, इसके बड़े गलत मोटिव है। तो ये भी मराठाओं को बताया इसने कि भाई ये आपको भड़काया है। तो इसीलिए दोनों के बीच में पीस हो गया। तो पहले तो मराठाओं ने अटैक किया, लेकिन उसके बाद दोनों ही शांति से रहे। और अब राजा सूरजमल ने अपनी टेरिटरी को और ज्यादा एक्सपैंड किया। लोहगढ़ फोर्ट की बात करें दोस्तों, तो लोहगढ़ फोर्ट जो है, ये जो बनाया गया है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लोहगढ़ फोर्ट आप समझिए कि ये एक इकलौता ऐसा फोर्ट है, इट इज इम्प्रेगनेबल। लोहगढ़ फोर्ट जो है वो भरतपुर में ही आपको मिलेगा, ये अभेद्य है, आप इसको भेद ही नहीं सकते, ऐसा हिसाब किताब है। ये 13 गुना ज्यादा थिक है, मतलब ब्रिटिश समझिए कि बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रिटिशर ने इस फोर्ट का बाल भी, इस किले का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इतना शानदार तरीके से बनाया गया, इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त, ये चीज है। अब देखिए, जाटों ने जो सूरजमल थे, राजा सूरजमल थे, मुगल से भी उन्होंने बढ़िया रिलेशन बना लिए। अब देखिए कितना बढ़िया, जहां पे वॉर की जरूरत हो वहां पे वॉर लड़ेंगे, और जहां पे डिप्लोमेसी से काम चल रहा है डिप्लोमेसी करेंगे। और इधर मराठाओं से भी बढ़िया एकदम रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश कर लिया। लेकिन धीमे धीमे मराठाओं से थोड़े से जो रिलेशन थे वो खराब होने लगे। आगे क्या कहानी है चलिए। वैसे सूरजमल की फैमिली की बात करें तो बदन सिंह के ये बेटे थे, मैंने फैमिली के बारे में शायद आपको नहीं बताया। देखिए तब तक यहाँ पे जाटों की भरतपुर में काफी आधिपत्य जो है वो स्टैब्लिश हो चुका था, क्योंकि देखिए कई बार औरंगजेब ने कोशिश की लेकिन भरतपुर को जीत ही नहीं पाई है। और जाटों की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बस 17वीं सेंचुरी में भरतपुर के किसान थे, और मुगल्स, देखिए जैसे ही 1760 1660 में औरंगजेब आया, तो उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए। अब भरतपुर में किसान रहते थे, अब ये बेचारे किसान जो है वो टैक्स दे नहीं पाते थे, और ये आपको टैक्स, ये कर जो है वो देना ही पड़ता था। तो उस समय जो चूरमान थे, बहुत पावरफुल जाट विलेज हेडमैन थे,
जो लीडर थे वो आए, बोला कि हम औरंगजेब को इस तरीके का अत्याचार नहीं करने देंगे, लेकिन उनको हरा दिया मुगल्स ने, हरा दिया मुगल्स ने। अब उसके बाद जब इतने बड़े लीडर को हराया, तब सारे के सारे जाट एक साथ आ गए, और अंडर द लीडरशिप ऑफ बदन सिंह उन्होंने बोला कि अब आके दिखाओ। तो औरंगजेब ने कई बार कोशिश की, लेकिन भरतपुर को वो जीत ही नहीं पाया। तब बदन सिंह ने राजा का टाइटल लिया 1724 में। भरतपुर की पहली कैपिटल थी दीघ, है ना, राजस्थान में आता ना भरतपुर। 1724 में जब इन्होंने टाइटल लिया तो दीघ को अपनी कैपिटल बनाया, और उसके बाद रॉयल पैलेस, फोर्ट, महल, ये सब बनाए गए। मथुरा और आगरा उस समय के दो बड़े इंपॉर्टेंट शहर थे, मथुरा आगरा बहुत स्ट्रैटेजिक। आगरा में मुगल्स के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, तो दीघ काफी वल्नरेबल भी था, काफी अटैक्स भी होते थे। 1730 में सूरजमल ने एक बहुत बड़ा किला बनाया था, बहुत बड़ा। किलों को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता था ताकि कोई भी अटैक हो उसको रिपल्स किया जा सके, ये चीज है। लोहगढ़ फोर्ट जब बनाया, लोहा मतलब आयरन, तो ऐसा फोर्ट जो लोहे से बना है, बहुत सारे फोर्ट्स बनाए थे, इसमें लोहागढ़ फोर्ट बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसको भेद ही नहीं पाया कोई। ये समझिए, ब्रिटिश फोर्सेस ने 1805 में, लॉर्ड लेक उस समय थे, काफी कोशिश की, 6 हफ्ते तक सीज रही, लेकिन तब भी अंदर जा ही नहीं पाए। ऊपर से जो हमला हुआ फोर्ट के अंदर से, किले के अंदर से, 3,000 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए। दो गेट्स हैं फोर्ट के, एक नॉर्थ में अष्ट धातु, एट मेटल्ड, साउथ में चौबुर्जा, फोर पिलर्ड गेट बोला जाता है। यह चीज 1746 में चंदौस वॉर हुई, यह बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है महाराजा सूरजमल के करियर का, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। देखिए 1745 में वही दिल्ली मुगल बादशाह मोहम्मद शाह काफी ज्यादा एंग्री थे, गुस्सा थे नवाब फतेह अली खान अलीगढ़ से, और उनको पनिश करना चाहते थे, उनको सजा देना चाहते थे। अफगान के चीफ असद खान को भेजा था उन्होंने। फतेह अली खान को पता था कि भाई मैं हार जाऊंगा और जीत नहीं पाऊंगा, तो फिर उन्होंने महाराजा सूरजमल से बोला कि आप हमारी हेल्प कर दीजिए। 1745 में एक महीना हुआ था, और सूरजमल को ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार अब फाइनली मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन लूंगा। तो राजा सूरजमल जो थे, उन्होंने फतेह अली खान से बोला कि बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आदमी भेज रहा हूं, खुद वो अलीगढ़ आए। और जब असद खान ने अटैक किया अलीगढ़ को 1746 में, चंदौस में ये वॉर हुई थी, बैटल ऑफ चंदौस, असद खान को मार दिया और फिर रॉयल आर्मी को डिफीट किया। 80 लड़ाइयां लड़ी थी, 80 लड़ाइयां सूरजमल ने, और एक भी नहीं हारे थे, ये चीज है। तो फतेह खान ने अपनी जागीर को बचा लिया, और उसके बाद तुमने इतनी बड़ी मदद की है, तो भाई फतेह खान ने राजा सूरजमल से बोला आज से हम दोस्त। बैटल ऑफ बागरू लड़ी गई, वही जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, 1748 में राजा जयसिंह वाली, और फाइनली ईश्वर सिंह के इसमें गद्दी पे बैठा है। और क्या कमाल का ये लगातार जो बैटल्स थी ना, बैटल ऑफ बागरू, पहले बैटल ऑफ चंदौसी, सॉरी हाँ बैटल ऑफ चंदौस, चंदौस वॉर, देन बैटल ऑफ बागरू, ये जो वॉर्स लड़ी गई, और ये इतनी बड़ी वॉर्स थी, क्योंकि देखिए बैटल ऑफ बागरू की बात करें तो इसमें राजपूत भी थे, मराठा भी थे, और इसमें राजा सूरजमल का जीतना ये बहुत ताकतवर हुआ, ये चीज। देन उसके बाद मीर बख्शी के साथ ट्रीटी साइन हुई, तो कमाल। और अल्टीमेटली हमें देखते हैं कि जाट स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय सफदरजंग 1752 में, 1752 में 10 मई 1753 में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, दिल्ली को जो मैंने आपको बताया था, गासीउद्दीन को हराया, बुरी हालत हो गई थी। बादशाह की आर्मी अटाके एक महीने तक, समझिए सूरजमल का, राजा सूरजमल का कब्जा रहा था। फिर 1754 में देखिए वॉर वॉर तो बहुत हो गया, जाट और मराठाओं ने ट्रीटी साइन की। मराठाओं ने कुमेर फोर्ट को 20 जनवरी 1754 AD को अटैक किया था, कुमेर फोर्ट को अपने पास ले लिया। लेकिन फिर हम देखते हैं भाई, जैसा कि मैंने बताया कि सब कुछ एकदम पीसफुली हुआ, ट्रीटी साइन हुई। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली की जो कैंपेन थी जाट्स के खिलाफ, ये बड़ी खतरनाक थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा लड़े थे, और अनफॉर्चुनेटली मराठाओं की यहाँ पे हार हुई थी, तो ये चीज है। लेकिन वही है कि इतना कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद सूरजमल ने काफी ह्यूमैनिटी दिखाई और मेडिकल और फूड अरेंजमेंट किया। फिर उसके बाद हरियाणा को इन्होंने, आज का जो हरियाणा है इसको इन्होंने जीता 1763 आते आते, फरुख नगर को जीता, बहुत सारी बैटल्स हुई। ऐसे ही बैटल ऑफ कुमेर लड़ी गई,
भाई दिल्ली के ऊपर जब इन्होंने कब्जा किया था, दिल्ली को बहुत बुरी तरीके से अटैक किया था, गाजियुद्दीन भागा था छोड़ के, और जाट्स का काफी समय तक दिल्ली पे कब्जा रहा था। ठीक है, 1-2 महीने रहे तो समझिए, फिरोज शाह कोटला को 17 मई को उन्होंने कैप्चर किया, ये 10 मई से कैंपेन शुरू हुई थी। फिर उसके बाद नवाब ने बोला कि भाई मराठा हमारी हेल्प करो, तब जाके ट्रीटी साइन हुई थी। मतलब फिर बैटल ऑफ कुम्हेर लड़ी गई, उस समय मुगल एम्परर आलमगीर था, और अगेन आलमगीर ने फिर से बोला कि भाई जो होलकर मराठास थे इंदौर के, खांडेराव होलकर, उनकी हेल्प, बोला कि आप हमारी हेल्प करो। लेकिन अगेन ट्रीटी जो है वो जाट और मराठाओं के बीच साइन हुई। तो आप समझिए कि मराठा और जाटों के बीच में रिलेशन जो थे वो मतलब कोई वैसे ट्रीटी साइन हो जाती थी अल्टीमेटली, क्योंकि मराठा भी बहुत बड़ी पावर थे। फरुखनगर को कैप्चर किया, नवाब जो है वो इस एरिया पे काफी समय तक रूल करते थे, बैटल ऑफ फरुखनगर जो लड़ी गई थी। और फाइनली हम ये देखते हैं कि राजा सूरजमल ने 1757 के करीब ये पूरा का पूरा एरिया अपने पास ले लिया। देन भरतपुर, बैटल ऑफ भरतपुर जो लड़ी थी, वही जो कि मैंने बताया कि अहमद शाह दुर्रानी जो है उसने भरतपुर को अटैक किया था, लेकिन दुर्रानी की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि दीघ को अटैक कर दे, वापस लौट गया तब। महाराजा सूरजमल उनसे लड़े, गोकुल, कुम्हेर, भरतपुर, उनके ट्रूप्स लड़े, बोला कि भाई अफगान आर्मी वहीं रुक गई, बोला कि भैया नहीं, जाट आर्मियों ने समझिए कि अहमद शाह अब्दाली तक को रोक लिया। और जैसा कि मैंने बताया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं को प्रोटेक्ट किया, मराठाओं को जो भी सप्लाई थी इन्होंने बोला कि बिल्कुल, हालांकि उस समय मराठा और जाटों के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन स्टिल हम आपको देंगे सब कुछ। आप समझिए उस समय 30 लाख रुपए महाराजा सूरजमल, जो उस समय बहुत ज्यादा होते थे, वो दिए थे। कि मैंने बताया ना कि महाराजा सूरजमल एक वीर योद्धा तो थे ही, साथ ही साथ एक एक बहुत ही दयालु राजा थे। और भाई सब हिंदू हैं तो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी है। आगरा फोर्ट को इन्होंने जीता, आगरा उस समय सबसे अमीर शहर था, और महाराजा सूरजमल ने डिसाइड किया कि अब आगरा फोर्ट तो हमारा है। तो 3 मई 1761 जाट आर्मी, ये 4,000 जाट सोल्जर्स थे, उन्होंने वो आगरा है, और बलराम जो है वो सेनापति थे। और जैसे ही जाट आर्मी आगे बढ़ी, वहां पे फोर्ट में मतलब जो किला था, किला जीत लिया, तो यानी कि पूरा शहर जीत लिया। वहां पे जो गार्ड्स उन्होंने रोका जाट आर्मी ने, फिर उसके बाद तुरंत वहां पे वॉर शुरू कर दी। तो आगरा फोर्ट को उन्होंने कैप्चर किया, कुछ समय मथुरा रुके। 24 मई 1761 इमाद और गंगाधर तांत्या के साथ वो मथुरा गए, यमुना को क्रॉस करके अलीगढ़ पहुंचे, और अलीगढ़ से उनकी जो आर्मी थी वो जालेसर गई। तो 12 जून 1761 आते आते राजा सूरजमल ने आगरा को भी कैप्चर कर लिया। तो दिल्ली, आगरा, अलीगढ़, हरियाणा सब इनके पास आ गए थे, ये चीज है। उसके बाद फिर अगर इनकी डेथ की बात करें तो मोस्ट एक्सेप्टेड स्टोरी यही है कि जो रोहिला था दैट वाज अंडर नाजिबुद्दौला। अब वॉर जो है वो इनेविटेबल थी, तो इधर नाजिबुद्दौला की आर्मी रोहिला के साथ, बलोच का राजा सईदू मोहम्मद खान भी था, अफजल खान, जाबिता खान, इन सब ने ट्रूप को मोबिलाइज किया। सूरजमल की बहुत स्ट्रांग मिलिट्री थी उनके अगेंस्ट। अब सूरजमल को पता था कि भाई एनिमी जो है वो सामने से हमला करेगा, रोहिला बलोच को हम 2 दिनों में हरा देंगे, ज्यादा कुछ टिक नहीं पाएंगे ये। लेकिन वही है कि यहां पे सूरजमल को लगा कि आगे से हमला होगा, लेकिन जो हिंडन रिवर के पास से हमला हुआ वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। सूरजमल सरप्राइज सरप्राइज हो गए थे, आउट नंबर हुए, और फाइनली सूरजमल का जो देहांत है वो 25 दिसंबर 1763 में हुआ, वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये चीज है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने भरतपुर के स्टेट को कहाँ कहाँ इन्होंने एक्सपैंड किया है। धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, पूरा यूपी और हरियाणा का जो किंगडम है वो इनके पास रहा। तो यही चीज है। तो 25 दिसंबर 1763 सूरजमल जो है वीर गति को प्राप्त हुए ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर हिंड। लेकिन आज भी इनकी जो बहादुरी की दास्तां है वो सुनाई जाती है, और जाटों का जो इन्फ्लुएंस है वो राजा सूरजमल ने ये बता दिया कि भाई जो जाट है वो कितने वीर होते हैं। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। हम राजपूतों की भी बात करेंगे, मराठाओं की भी बात करेंगे, हम सबकी बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइन।